सभी को राम राम जी, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आज एक बहुत ज़्यादा आज दुख की घटना, जैसे डेली हम सुन रहे हैं डेली दुख की घटना, लेकिन आज भी एक बहुत ज़्यादा दुख की बात सुनने को मिली। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी अजीत सिंह, सिर्फ वो कहने के लिए नहीं थे चौधरी साहब कि वो उनको मसीहा कहा ही जावे, वो मसीहा थे ही। जैसे चौधरी चरण सिंह जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मसीहा के नाम से जाने जावे, और इसी तरीके से चौधरी अजीत सिंह ने भी बिल्कुल वही काम किया और उसको निभाया, उस अपने फर्ज को निभाया। क्योंकि जब राजनीति पार्टियां किसानों के मंच पे ना आवीं किसान आंदोलन में, उस टाइम पे चौधरी अजीत सिंह आते थे मंच पे और बोलते थे अपनी बात को रखे, हमारी बात को रखे। तो आज उनका देहांत हो गया। सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी, ऐसी महान आत्मा को सबसे पहले मैं शीश झुका करके नमन करना चाहूँगी। परमात्मा उनकी आत्मा को बहुत शांति देवे। और क्या बोलते हैं, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ सरकार से भी और जो अंधभक्त हैं उनसे भी। हाँ जी भाई, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहूँ, मैं ये पूछना चाहूँ जो हमारे देश के सैनिक हैं उनको अच्छा खाना ना देने वाले, पहले जो होते थे आपने देखा होगा, जो अच्छा खाना हमारे सैनिकों को नहीं वो कराते थे उनको, यानी कि मोहन भागवत जी, BMW 190 कमांडो समथिंग, जेड प्लस की सिक्योरिटी और इतना खर्चा हमारी सरकार क्यों दे रही, क्यों दे रही है सरकार मोहन भागवत जी को? क्या उनके जो देश के लिए योगदान है, अभी इतना संकट चल रहा है उसमें कुछ योगदान उनके हैं, जरा बता मैं वो इस बात को मैं जानना चाह रही हूँ। हो सकता मुझे नहीं पता हो, तो मेरे मन में एक सवाल आया ये वाला, तो मैंने जानना बहुत उचित समझा। देखिए, हमारे टैक्सेस है, जनता के टैक्सेस है, ये सब होता है, तो हमारा पूरा अधिकार है कि हम जान सकें। और एक मीटिंग चल रही थी बहुत हाई लेवल, बोल रहे हैं बहुत बार बार कोरोना कोरोना, आप देख भी रहे हो देश में क्या हो रहा। एक मीटिंग चल रही थी उस पर, लेकिन बाद में जो फैसला लिया गया वो फैसला बड़ा खतरनाक लिया गया। मीटिंग थी किस विषय पर, फैसला किस विषय पर लिया, IDBI बैंक बेच दिया। कितनी खतरनाक बात है, क्योंकि सब सिस्टम बेचने में लग रहे हो, सब सिस्टम आप बेचने में लग रहे हो, सरकार सारे सिस्टम बेचने में लग रही है उद्योगपतियों को, और जबकि उसमें जनता की बहुत मेहनत लगी हुई, जनता का बहुत योगदान रहा IDBI बैंक में। तो ये मेरे मन में सवाल आ रहे थे। देखिए, सवाल है कोई भी पूछ सकता है, आप है, मैं हूं, ये अलग बात है कि मेरे विचार किसी को अच्छे ना लगे, किसी के विचार मुझे अच्छे ना लगे, मैं जैसे कि मैंने आपसे। और दूसरा एक बात और मेरे मन में आ रही थी, जितने भी हमारे देश में आज तक प्रधानमंत्री रहे हैं, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश में रहे हैं टोटल, क्या जो प्रधानमंत्री आवास है, जो प्रधानमंत्री जी को बंगला दिया जावे, क्या उसमें किसी प्रधानमंत्री को असुरक्षा महसूस हुई या असुरक्षा की बात आई किसी भी प्रधानमंत्री को? क्योंकि एक जो राजा है यानी कि मोदी जी, उनके लिए एक बिल्डिंग बनाई जा रही है 13,450 करोड़ का, जिसमें खर्चा लगा हुआ, और उसकी अनुमति दी गई है, ये तकरीबन अप्रैल में दी गई है उसकी अनुमति। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, अपने मोदी जी से, कि क्या आपको इस बंगले में अपनी सुरक्षा को लेकर कोई टेंशन हो रही है, या फिर ये बंगला चूना लग गया? जैसा संसद भवन में आपने पैसा लगाया, ठीक, आपने हॉस्पिटलों में नहीं लगाया, क्या जैसे संसद भवन में लगा वैसे ही आपने जो अपना महल बना के तैयार करा, क्या ये जो आपका प्रधानमंत्री आवास जो दिया जावे, प्रधानमंत्री जी को जो दिया जावे, क्या वो चूने लग गया प्रभु, क्या वो टपकने लग गया? जो आप उस चीज को ज्यादा ध्यान दे रहे हो, लेकिन अस्पतालों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ऑक्सीजन पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, देना चाहिए वैसा, हालांकि आप थोड़ा सा दे रहे हो। आप जब कोर्ट ने आपको फटकार लगाई है, सरकार को फटकार लगाई है कोर्ट ने, तो जब से थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो, ज्यादा नहीं दे रहे हो, ये तो हमें भी पता कितना ध्यान दे रहे हो, जनता को पता, सभी को पता कितना ध्यान दे रहे हो। तो आप ये मेरे मन में देखिए सवाल था, प्रधानमंत्री जी से सीधा सवाल करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप देश के प्रधानमंत्री और मैं देश की जनता हूँ, मैं आपसे अपने हक का सवाल पूछ रही हूँ,
उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे हक के सवाल का जवाब देंगे। क्या आपको उसमें अपनी सुरक्षा का खतरा था महल में जिसमें आप रहते हैं, जो बंगला दिया गया आपको, या फिर वो चूने लग गया, टपकने लग गया, क्या ऐसी बात हो गई? तो ये मेरा आपसे सवाल है। उसको 12 अप्रैल के शायद समथिंग अनुमति दी है बनाने की, तो मेरा जो अब इस टाइम जो बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए, ये सब चीजें बननी चाहिए, इसका आपको बिल्कुल ध्यान नहीं है, अंदाजा नहीं है, आप वहां ज्यादा अंदाजा ध्यान लगा रहे हैं। तो मेरा सवाल है, आप इसको इग्नोर ना करिएगा। और आप, मेरा ही सवाल नहीं है ये बहुत लोगों का सवाल है, और मैं चाहती हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनका सभी सवाल ये होना चाहिए, क्योंकि जिस संकट में हमारा देश है इस टाइम, ठीक है, तो उसमें जो आप कर रहे हो प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी, तो इसलिए हम पूछ रहे हैं, हमारा अधिकार बनता है आपसे पूछने का। तो ज्यादा से ज्यादा इस बात को पूछे, सभी पूछे, अधिकार है, हम देश की जनता है, टैक्स भी देवे, ऐसी बात नहीं है टैक्स नहीं देते, ऐसी बात नहीं है हमारे देश की जनता मदद नहीं करती है, तो बिल्कुल अधिकार की बात है, बिल्कुल पूछेंगे हम तो साहब। और क्या बोलते, आज मैंने एक कंप्लेंट की, मैंने आपको जैसे अपने पहले भी मैंने बताया बहुत सारे चैनलों पर बाइट देते मैं, कि मुझे फोन पे बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग भी आ रही है और डायरेक्ट कॉल करके भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा जा रहा, तो मेरा जो हमारे किसानों की इतनी मेहनत है, आंदोलन की रूपरेखा ना बदले, इस वजह से वो रिकॉर्डिंग मेरे फोन में सेव है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से सेव है। तो मैं उनका भी चेहरा सामने लेके आऊंगी, जैसे कि आज मैंने मेरठ में कंप्लेंट दी, पवन बंसल एक रहते हैं मेरठ में, माधवपुरम में, और माधवपुरम में ही मेरी बहन रहती है बड़ी वाली, उनका परिवार रहता है, उन्होंने एक फेसबुक व्हाट्सएप पे एक ग्रुप चल रहा था और मेरे परिवार के कई सदस्य उस ग्रुप में हैंगे, उसमें उन्होंने मेरी वीडियो जो एक बहुत वायरल हो रही है, मैंने जिससे कहा मोदी जी आप जो है क्या बोलते हैं कुछ नहीं कर पा रहे तो आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। देखिए मेरे विचार थे, मैंने बोल दिए, सबको आजाद देश में है, सबको अपने विचार रखने का वो है, बसरते आपका मन है कि आप मेरे विचारों को पसंद करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन किसी की भी ये हिम्मत नहीं कोई मेरे स्वाभिमान को छेड़े या कोई मेरे सम्मान को खराब करे। मैं एक नारी हूं इसलिए नहीं, मुझे खुद ही पसंद नहीं कि मेरा कोई सम्मान, क्योंकि आज तक भी मैंने हर वीडियो में सबका सम्मान करा, हाँ संविधान के दायरे में सारी बात बोलूंगी, अधिकार है पूछूंगी भी, लेकिन ना मैं कभी किसी को टिप्पणी करती हूँ, ना कभी किसी को गलत बात बोलती हूँ, ना गलत भाषा का मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो ये उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे बहुत गंदी गंदी गालियां उस ग्रुप में जिसमें मेरा परिवार, मेरा समाज के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट की आज ब्रह्मपुरी थाने में, तो वहां पे मुझे आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। और जिन्होंने मुझे, उनको मैं वॉर्न करने के लिए बोल रही हूँ, जिन्होंने मुझे कॉल कर करके, वो सभी जानते हैं किन्होंने मुझे कॉल किया और मैं भी जानती हूँ बहुत अच्छे से, उनके रिकॉर्डिंग डाटा मेरे फोन में सेव है, आपको भी बेनकाब करूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे सम्मान की बात नहीं है, ये एक महिला के सम्मान की बात है, एक औरत के सम्मान की बात है, एक लड़की के सम्मान की बात है, ठीक है। और आप लोग ऐसे कर करके आप हमें मानसिक रूप से पीड़ित करना चाह रहे हो, हालांकि मैं उसके कमेंट से बहुत पीड़ित हूँ, क्योंकि वो मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं, मैंने उनको आते जाते देखा हुआ है, 8-10 साल से मैं उनको देख रही हूं, तो मैं कड़ी कार्रवाई करवाने की मांग करती हूँ, पहले तो प्रशासन से वहां के, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, क्योंकि ये चीज मुझसे ही नहीं जुड़ी हुई है। जब मैं अपने लिए, देखिए मैं कानून के दायरे में सारे काम करूंगी, जबकि वो व्यक्ति जो है क्रिमिनल, उससे उनका भाई भी 3 हत्या के उसमें जेल में रहे, और अब नशीले पदार्थ जो गैर कानूनी होते हैं उसमें वो जेल में, उनका भाई भी, तो उनको शायद इस चीज का बहुत घमंड है कि उनका भाई जो है बदमाश है, तो ये लड़की जो है डर जाएगी, तो मैं उनकी बदमाशी है ना अच्छे से बताऊं, पूरी जात बिगाड़ के रख दूंगी पवन बंसल जी आपकी, लेकिन कानून के दायरे में कानून का पूरा सहारा लूंगी और अच्छे से जात बिगाड़ूंगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने मुझे ही नहीं आपने गंदा बोला और गंदी गाली, और मैंने उसका प्रिंट भी लगाया हुआ है, जो व्हाट्सएप पाया मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपनी एप्लीकेशन के साथ में, जो मैंने तहरीर दी है थारा ब्रह्मपुरी में, उसका कमेंट का मैंने क्या बोलते प्रिंट निकलवा के अटैच किया हुआ है। आपने पवन बंसल जी मुझे गाली नहीं दी है, आपने तो मुझे इतनी सी को देखा होगा, क्योंकि मैं आपके क्षेत्र में रही हूं और आपके वहां आपको आते जाते मैं देखती हूं, क्योंकि मेरे बहनों ही वहीं रहते हैं, 13 साल के करीब हो गए हैं, मेरी बहन की 2008 में शादी हुई, तो मैं आपको लगातार छोटेपन से वहीं देख रही हूँ, अड़ोस पड़ोस में आपको घूमते हुए, तो मैं आपकी जात ना बिगाड़ के रख दूँ ना तो बात है, क्योंकि मैंने आज गालियों के शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं करे, और एक औरत को कोई भी गाली नहीं दे सकता, अगर आपको उसके विचार पसंद नहीं है तो आप देखो मत, बात खत्म, ठीक है। आप औरत को नहीं, और आप आदमी को भी गाली नहीं दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप औरत को नहीं दे सकते, अगर मुझे किसी की बात बुरी लग रही है तो मेरा भी अधिकार नहीं कि मैं किसी आदमी को, क्योंकि मैं कानून का पूरा सहारा लूंगी, कानून का बहुत सम्मान करती हूँ, ये प्रशासन भी जाने हैं,
मैं बेशक अपनी बात रख रही हूँ बॉर्डर पे, किसानों की बात रख रही हूँ, रखूंगी, बिल्कुल रखूंगी, रोटी खाती हूँ, बिल्कुल रखूंगी, लेकिन कोई भी पुलिस वाला व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि इस लड़की ने हमसे गलत भाषा में बात करी है या इसने हमारा अपमान करा। तो मैं पुलिस प्रशासन का और कानून का पूरा साथ लूंगी और कानून से मैं अनुरोध करती हूँ आगे प्रशासन से, निष्पक्ष रूप से मुझे आप जो है इस चीज को करें कि निष्पक्ष रूप से आप कार्रवाई करें इस बात पे। तो मैं अपनी बात को रखूंगी, बिल्कुल कानून के दायरे में सारे काम करने चाहिए और मैं करती भी हूँ और करूंगी भी। और आप देखना पवन बंसल जी, आपने ये बहुत गलत किया और शब्द ऐसे इस्तेमाल किए हैं, मैं क्या बोलते हैं, आपको दिखा सकती हूँ, मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मैं ऐसी संस्कृति से बिलोंग नहीं करती हूँ। ये प्रिंट है उस कमेंट का, तो मैंने इसको प्रिंट को निकलवा के अटैच किया है। मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, सच्ची में दिखा भी ठीक से नहीं सकती मैं आपको, जो इस्तेमाल करा पवन बंसल जो है। और क्या बोलते हैं, मैं बिल्कुल कड़ी कानून कार्रवाई चाहूंगी क्योंकि आगे से ऐसे लोग जो ऐसे मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, ये एक तो नारी का सम्मान करना सीख जाए, एक इंसानियत दिखा मैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मुझे देख करके बहुत सारी मेरी बहनें बोलती हैं कि हाँ वो ठीक बोलती हैं, हमें भी ऐसा बोलना है। तो मैं चाहती हूँ कि उनके मन में भी एक ये रहे कि हाँ हमारे लिए अगर कोई गलत बोलेगा तो बिल्कुल उसके गलेवान में हाथ डालेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, और बिल्कुल डालेंगे और डालूंगी और कानून का पूरा सहारा लूंगी और आपको जेल भिजवा कर रहूंगी और उन्हें भी जेल भिजवाऊंगी जिनकी रिकॉर्डिंग मेरे फोन में, जिन्होंने, अब आप तैयार रहना। क्योंकि मैं अब तक चुप थी कि किसान आंदोलन चल रहा है, कुछ नुकसान हमारे किसानों का ना हो जावे, मैं बार बार इस बात को बोल रही थी, लेकिन अब बात जो है वहां से उठ कर, बॉर्डर के लोगों से उठकर, उन्होंने जो मुझे फोन करते थे बॉर्डर पे, दो चार लोग आते थे, वो रिकॉर्डिंग जिन्होंने मुझे भेजी हुई है, वहां से दो चार लोगों ने वो बात मेरे समाज क्षेत्र में पहुंचा दी, जहां मैं रहती हूँ, जहां मेरा बचपन बीतता है, मैं वहां तक पहुंचा दी। तो अब तो बात बिल्कुल वहां आ गई है। अब मैं बिल्कुल आप लोगों की फिक्र नहीं करूंगी, मैं सोच रही थी कुछ सुधर जाएंगे, आप लोग सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग सुधरते नहीं है कभी, सुधरने का मौका भी मैंने आपको दिया और आप अब आप तैयार रहे, मैं जिनकी रिकॉर्डिंग मेरे फोन में, अच्छे से जानते हैं आप लोग कि किसकी रिकॉर्डिंग मेरे फोन में, या तो आप सुधर जाइए और आप भी तैयार रहिए, बाय रिकॉर्डिंग मैं देख आऊंगी, कंप्लेंट करूंगी अच्छे से अधिकारियों को, अच्छे से करूंगी, और देख लेना आप। जब तक के लिए मैं आपसे चाहती हूँ कि आप लोग ध्यान रखें, अपना, अपनों का ध्यान रखें, एक भी व्यक्ति की मदद आप कर पाए तो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।